शाहिद अफरीदी ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का दौरा करे। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का रोमांच बहुत ज्यादा होता है, सभी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी 2012 के बाद इन दोनों टीमों ने आपस में कोई सीरीज नहीं खेली है, जिसके बारे में बोलते हुए पूर्व पाकिस्तान दिग्गज शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत के पाकिस्तान दौरे का इंतजार कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी ने दिया भारत पर बड़ा बयान, सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज का इंतजार है। आखिरी बार भारत की टीम पाकिस्तान 2006 में गई थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, जिस लिस्ट में शाहिद अफरीदी भी शामिल है, जिन्होंने अब इसके बारे में बोलते हुए गल्फ न्यूज से कहा कि पूरा PSL पाकिस्तान में खेला जा रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। उसके अलावा बांग्लादेश की टीम भी अब पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जहां पर वो टेस्ट सीरीज भी खेलेंगे, जो दिखता है कि हमारी सुरक्षा सिस्टम अच्छा हो गया है। मैं अब उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान में लौट रहा है क्रिकेट। 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में कोई भी टीम दौरा नहीं कर रही थी, लेकिन हाल के दिनों में श्रीलंका की टीम और वेस्टइंडीज के अलावा जिम्बाब्वे की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। ICC ने भी पाकिस्तान में वापस क्रिकेट को लाने में अहम भूमिका निभाई है। अब MCC की टीम और बांग्लादेश की टीम भी अब पाकिस्तान में जाकर खेलेगी, जिसके बाद कहा जा सकता है कि क्रिकेट वापस लौट गए है। हालांकि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, जिसके कारण अब एशिया कप किसी अन्य देश में खेला जाएगा। ICC टूर्नामेंट में भिड़ते हैं भारत और पाकिस्तान। आपस में भले ही ये दोनों टीमें सीरीज नहीं खेलती है, लेकिन ICC के टूर्नामेंट में ये दोनों खेलते हुए नजर आती है, जहां पर बहुत ही रोमांचक मैच देखने को नहीं मिले हैं। पाकिस्तान की टीम अब मजबूत नहीं रह गई है, जबकि विराट कोहली की टीम मौजूदा समय में बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। फ्रेंड्स, आपका भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहना है, अपना सुझाव कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।